करंसी पे बापू की फोटो, लाल किले पे तिरंगा, सड़क पर भारत माता की जय, और स्कूलों में विंद हिमाचल यमुना। क्या इतनी सी आजादी काफी है? क्या सिर्फ इतनी सी आजादी के लिए वो जनेऊधारी कंपनी बाग में ब्रिटिशर की फौज से अकेला लड़ा था? क्या सिर्फ इतनी सी आजादी के लिए वो 23 साल का सरदार रंग दे बसंती का नारा कह के फांसी चढ़ गया था? क्या सिर्फ डेढ़ गज कपड़े के लिए नेताजी ने हिटलर को आंख दिखाई थी? या सिर्फ नोट पे छपने के लिए बापू ने सीने पे गोली खाई थी? बहुत आंसू बहा लिए वीर गाथा, बहुत मेले लगा लिए शहीदों के शहादत पर, अब आगे बढ़ना। वी द पीपल ऑफ इंडिया का पन्ना दोबारा पढ़ना होगा और ये समझना होगा कि जहां आजादी का मतलब फ्रीडम है, वो सारे शब्दकोश व्यर्थ है, क्योंकि यहां आजादी के एक या दो नहीं, पूरे 135 करोड़ अर्थ है। यू कहने को तो अशफाक बिस्मिल भगत सिंह के नारे लगाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे हैं भाई, ये भी बतलाते हैं। फिर क्यों है ऐसा कि उन दंगों में हमारे ही भाई मारे जाते हैं? आजादी वो है जो अपने सपनों की तरफ बढ़ने से ना डरे और टूटी हुई चप्पलें डिजाइनर जूतों के साथ चलने से। आजादी वो है जब झुके हुए सरों का मुकद्दर बदल जाए और खोलियों के दिलों से हवेलियों का डर निकल जाए। आजादी वो है जब ख्वाहिशों की चिड़िया बाधाओं का पिंजरा तोड़ दे और क ख ग ABC से डर ना छोड़ दे। कब तक इतिहास के उन्हीं जमे हुए धूलों को अपने माथे पे लगाते आओ? अमर जवान ज्योति को अगर जलाए रखना है तो उसकी जड़ों में नया ईंधन भरना ये सीखना होगा। घबराओ मत, बस कुछ दूर और, थोड़ी ही दूर, अगले ही मोड़ पर आजादी है।